26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान असत्यापित खबरें शेयर करने के आरोप में पत्रकारों पर विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए राजद्रोह के मामलों की पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। इस संबंध में शनिवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसका आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, द इंडियन वुमेन प्रेस कॉपर्स, द दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा किया गया था। ये FIR 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली की रिपोर्टिंग के संबंध में दायर की गई है, जिनमें शुरुआती कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि एक युवा किसान की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन बाद में दावा किया गया कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई। वहीं PCI ने जारी बयान में कहा, यह संबंधित राज्य सरकारों की ओर से एक बहुत बेतुका बहाना है और घटित हो रही स्टोरी में चीजें नियमित आधार पर बदलती है और उसके अनुरूप ही रिपोर्टिंग उन परिस्थितियों को दर्शाती है जब व्यापक भीड़ हो और संदेह हो और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हो। इसमें कई बार शुरुआती और बाद की रिपोर्टिंग में अंतर हो सकता है। वहीं सहाय ने कुछ पत्रकारों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, पत्रकारिता करने के लिए हाल फिलहाल जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इसमें केरल के सिद्दीकी कप्पन, मणिपुर से किशोर चंद्र वांगखेंग, गुजरात से धवल पटेल, महाराष्ट्र से राहुल कुलकर्णी और विनोद दुआ शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मृणाल पांडे, कौमी आवाज के संपादक जफर आगा, कारवा पत्रकारिता के संपादक और संस्थापक परेश नाथ, इसके संपादक अनंत नाथ और कार्यकारी संपादक विनोद के जोश और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ भाजपा शासित राज्यों में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा, इस तरह के आरोप न केवल पत्रकारों को धमकाने या प्रताड़ित करने के लिए दर्ज किए जाते हैं, बल्कि पेशेवरों को आतंकित करने के लिए भी किए जाते हैं। वहीं इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें इन राजद्रोह के मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया, यह बैठक सरकार द्वारा पत्रकारों के काम को बाधित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को अस्वीकृत करती है और मांग करती है कि सरकारें इन मामलों को वापस लें।